नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह जो आप बुलडोजर से दीवारों को गिरते हुए देख रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के झांसी का नज़ारा है। जी हां, झांसी में आज झांसी विकास प्राधिकरण ने रक्सा थाना क्षेत्र में करीब 4 ऐसी कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है जो अनाधिकृत तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे, लोगों को भ्रम जाल में फंसा कर उन्हें प्लाट बेचे जा रहे थे। जब इस बात की जानकारी जीडीए के अधिकारियों को हुई कि यहाँ बिना लेआउट बिना नक्शा पास किए कॉलोनी विकसित करने का काम किया जा रहा है, तो अधिकारी एक्शन में आए और आज बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों ने बताया कि करीब यहाँ 17 से 18 एकड़ में 4 कॉलोनियाँ जो विकसित की जा रही थी वह अवैध थी और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इन कॉलोनियों को किसी भी प्रकार से झांसी विकास प्राधिकरण के द्वारा लेआउट पास नहीं किया गया, ना ही कोई कार्रवाई की गई। उन्होंने आम जनता से भी अपील की कि कृपया कहीं भी प्लॉट खरीदने से पहले जीडीए से इस बात की जानकारी ज़रूर कर लें कि वह प्लॉट सही है, लेआउट पास है या नहीं। आज योगी बाबा का बुलडोजर जब चला तो कई एकड़ की ज़मीन पर बनाए जा रहे फिलहाल इस प्लाटिंग को नष्ट कर दिया गया है। इन जगह पर जो मकान बन गए थे उन्हें अधिकारियों ने इसलिए नहीं तोड़ा, अधिकारियों का कहना है कि इससे आम जनता का नुकसान होगा, उन्हें सचेत कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि 2 दिन प्रधानमंत्री के जालौन दौरे के मद्देनज़र पुलिस की उपलब्धता ना होने से यह अभियान रुका है, लेकिन लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल झांसी में अवैध तरीके से जो कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन जारी है। बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है, देखिए किस प्रकार से बुलडोजर चल रहा है और अधिकारी क्या कह रहे हैं, ये हम आपको पूरा सुनाते हैं। विकास प्राधिकरण ने आज जो है 4 कॉलोनियों को टेकअप किया है, जो अवैध रूप से प्लाट यहाँ के जो प्लाटर्स हैं करके जो है प्लाटिंग किए हुए थे, जिसमें बहुत सी कॉलोनियों में मकान भी बन चुके हैं। तो चूँकि अभी मकान गिराएंगे तो आम जनता का नुकसान होगा, इसलिए उनको अभी नहीं छू रहे हैं, लेकिन जो प्लाट्स बचे हैं या सड़कें हैं उनको हम जो है ध्वस्त कर रहे हैं, ताकि कोई भी प्लाटर आगे इस तरह का साहस करके अवैध प्लाटिंग न कर सके। और आम जनता से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो कहीं जो है प्लाट खरीद रहा है तो अवश्य ही प्राधिकरण में आ करके जानकारी कर ले कि यहाँ जो है मेरा खरीदना उचित है कि नहीं उचित है। सर, जो भूमापियाँ हैं जो कॉलोनी बसाई थी जी, इसका लेआउट पास था या कितनी एकड़ जमीन है जो कार्रवाई हुई है? नहीं, इसका लेआउट पास होता तो फिर तो गिराने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने जो है प्राधिकरण से किसी भी प्रकार का कोई लेआउट नहीं पास कराया, अवैध प्लाटिंग करके आम जनमानस को जो है इसमें फंसा दिया है। और आज हम 4 कॉलोनियों को टेकअप किए हैं, चारों कॉलोनियाँ मिला के लगभग 17 से 18 एकड़ पे कार्रवाई की। कौन कौन सर जिनकी कॉलोनी थी? डॉक्टर जो है कमल कुशवाहा जी हैं, नथू सिंह कुशवाहा जी हैं और उमर सिंह यादव। आगे भी कार्रवाई जारी है? ये लगातार कार्रवाई जो है जारी रहेगी। अभी 2-3 दिन पुलिस की अनुपलब्धता रहेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है समीप के जिले में, तो 2-3 दिन कार्रवाई नहीं हो सकेगी। थैंक यू।